जी बहुत बहुत स्वागत है जी टाटा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पीएस टेट ले, ईटीटी ले थे, मास्टर कैडर ले। पंजाबी विच स्वर हैं 3, 2, 5, 4 ता सही है 3। पंजाबी भाषा की जन्मदाती भाषा केड़ी है? शाहमुखी, रोमन, देवनागरी, गुरमुखी। तो शाहमुखी जड़ी है जन्मदाती भाषा है शाहमुखी। पंजाबी भाषा नू लिखन लई लिपि केड़ी टुकवी है? शाहमुखी, रोमन, देवनागरी ते गुरमुखी। तो पंजाबी भाषा नू लिखन लई ढुकवीं लिपि गुरमुखी है। कारक किन्ने प्रकार के होंगे? 8, 7, 5, 3 तो कारक होंगे 8 प्रकार के। पजामा शब्द नाव की किस्म है? खास नाव, आम नाव, इकट्ठवाचक नाव, भाववाचक नाव। तो सही है आम आम नाव। संख्यावाचक विशेषण दियां किस्मां होंदियां हन? 4, 5, 6, 7 तो संख्यावाचक विशेषण दियां किस्मां हन 7। वर्तों दे आधार ते संबंधक दियां किस्मां होंदियां हन 3। वर्तों दे आधार ते संबंधक दियां किस्मां 3। हेठ लिखियां विच्चों विशेषण किहड़े हन? पेंट कमीज, चंगा, काला, ओह इह, महिंदर ते सुरिंदर। तो विशेषण पूछे हैं तो चंगा ते काला। पेंट कमीज नाव हैं, महिंदर सुरिंदर भी नाव हैं, ओह इह पड़नाव हैं। तो विशेषण की है चंगा ते काला। तुसी मेरा साडा शब्द हेठ लिखिया विच्चों की है की हैं? पड़नाव। हेठ लिखिया विच्चों विशेषण केड़े हैं? पतला, कुर्सी, नाल, ऊह, जो। तो पतला की है विशेषण। नाल योजक है, कुर्सी नाव है, जो ऊह पड़नाव हैं। तरकाला शब्द का विरोधी शब्द चुनो। तरकाला शब्द का विरोधी शब्द शाम, आथन, देर, सवेर। ता विरोधी है सवेर। सरबजीत बहादुर है वाक विच संसरगी किरिया केड़ी है? संसरगी किरिया केड़ी है? है। डोले फड़कन तो की भाव है? जोश विच आना। बच्चा केड़ी भाषा अपने आले दुआलों सीखता है? मात भाषा। बच्चा केड़ी भाषा अपने स्कूल तो सीखता है? पहली भाषा। आले दुआले तो केड़ी भाषा सीखता है? मात भाषा। तो स्कूल तो मात भाषा तो स्कूल तो केड़ी सीखता है? वो पहली भाषा। स्कूल तो वो केड़े भाषा कौशल सीखता है? बोलन पढ़न, बोलन लिखन, लिखन पढ़न, पढ़न सुनन। तो सुनता है लिखन पढ़न। जदों कोई गैर पंजाबी पंजाबी भाषा सीखता है तो उस लई केड़ी भाषा होवेगी? दूजी भाषा। भाषा नूं सीखण लई निजमबंद प्रणाली की है? उपभाषा, लिपि, व्याकरण, कार्यशैली। तो निजमबंद प्रणाली केड़ी है? व्याकरण। भाषा सीखण लई सब तो महत्वपूर्ण स्रोत की है? पाठ पुस्तकां, ब्लैकबोर्ड, प्रैक्टिकल, प्रयोगशाला। तो सीखण लई पाठ पुस्तक जिहड़े हैं महत्वपूर्ण हैं।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵੇਗਾ।